शहर में आम लोगों को जो परेशानी निरंतर बढ़ रही है उसको देख के किया जा रहा है। लगातार अधिकारियों से बात होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और आज इसीलिए उन अधिकारियों को जो कि जन समस्या को समझ नहीं रहे हैं उनको चेतावनी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे द्वारा रखा गया है। आप देख रहे हैं शहर के कई एक हिस्सों में बिजली के केबल वायर को खींचने के लिए जहाँ तहाँ गड्ढा करने का काम किया जा रहा है। आप गड्ढा कर रहे हैं, पूरे सड़क को तो खराब कर ही रहे हैं, लेकिन कोई बैरियर नहीं, कोई रेड रिबन नहीं, कोई कॉशन नोटिस नहीं, पब्लिक कहाँ गिर जाएगी किसी को कोई खोज खबर नहीं, और आप पूरे सड़क को बर्बाद कर। आप ओल्ड HB रोड जाइए, कोकर से लेके पूरे स्टेशन रोड तक की स्थिति, एक ब्रिज बनने से लोग परेशान थे कि ब्रिज का काम चल रहा, आगे भविष्य में उसकी आवश्यकता है इसलिए उसको झेलना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद आप जहाँ तहाँ गड्ढा करके पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने का काम कर रहे हैं, कोई दृष्टि नहीं है, कोई अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं है, ठेकेदार के भरोसे काम चल रहा है, और साथ ही साथ एक्सीडेंट के कितनी संख्या बढ़ी है अगर आप उसका सर्वे करेंगे तो बड़ा ही दुखदाई है। और एक काम बिजली विभाग तो दूसरा काम जो केबल ऑपरेटर्स हैं, अलग अलग कंपनी के केबल ऑपरेटर गाड़ी लगाते हैं, पाइपलाइन को रोड के अंदर से ही कहाँ ड्रिल करके ले जा रहे हैं, पूरा का पूरा सड़क पेवर्स ब्लॉक लगाए गए थे NHAI के द्वारा सड़क बनाने के क्रम में, सब जगह खराब हो गया। कौन उसको देखेगा, कौन उसकी खोज खबर लेगा, कौन उस पर कार्रवाई करेगा, कोई सुनिश्चित नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर इस तरह का चलता रहा तो जनता का तो कोई अभिभावक ही मौजूद नहीं रहेगा, और अगर यही हाल रहा तो हम लोग अब प्लान किए हैं, कल जनता के साथ भी मैंने बैठक की थी, बहुत जगह बैठकों में ये बात सामने आई कि अब हम लोग किसी को भी गड्ढा करने देंगे ही नहीं जब तक वो पूरा प्लान नहीं बताए या काम सुनिश्चित नहीं करे कि कब उसके काम को ख़त्म उसको करना है। एक और समस्या पूरे शहर में है, वो है जुड़कों के माध्यम से अभी पाइपलाइन जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। हर घर नल योजना बहुत अच्छी है, होनी भी चाहिए, लेकिन होने के पूर्व क्या सर्वे ढंग से हुआ है? मैं अभी तुरंत की बात बता रहा हूँ, कोकर सुभाष चौक के पास हमने 2016-17 में पाइपलाइन सुंदर विहार तक बिछाया था। रोड के एक तरफ पाइप बिछा हुआ है, दूसरे तरफ पूरे सड़क को कोड़ दिया गया। 2 करोड़ रुपया में हम लोग बहुत मुश्किल से उस सड़क का निर्माण 2-3 साल पूर्व कराए थे। आज स्थिति ये हो गई कि फिर से पूरी स्थिति सड़क की खराब। पाइपलाइन जब एक साइड है तो दूसरे साइड केवल बिछाना मुझे लगता है कि बिल बनाने से ज़्यादा उसकी उपयोगिता नहीं है। तो आखिर इस तरह का कार्य कैसे चलेगा? केंद्र सरकार पैसा दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पैसे का बंदरबांट हो। 100% अधिकारियों को इस पर निगरानी रखनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर पाइपलाइन बिछाने की आवश्यकता है जहाँ पाइपलाइन नहीं है तो वहाँ पाइप बिछाने के तुरंत बाद उसको ठीक करना भी जुड़को के जो एजेंसी को काम मिले हैं उनको करना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि अगर ये काम नहीं करते हैं, ठीक ढंग से सर्वे का काम नहीं होता है, प्रॉपर ढंग से रिपेयरिंग का काम नहीं होता, तो हम जुड़को के कार्यालय को आगे आने वाले दिनों में घेराव करने का भी काम करेंगे अगर जुड़को इस बात को नहीं देखता है तो। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।